हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको तीन दिलचस्प जानकारियां देने वाली हूं। पहली ये कि पवित्र रिश्ता 2 का बायकॉट किए जाने पर मानव का किरदार निभाने जा रहे शहीर शेख ने आखिर क्या कहा है। दूसरा ये कि करीना कपूर की आने वाली बुक प्रेगनेंसी बाइबल पर आखिर कौन सी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। और तीसरी ये कि अचानक से दिया मिर्जा की जिंदगी एक बार फिर से क्यों बदल गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पवित्र रिश्ता 2 को बायकॉट करने का हैशटैग पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। मानव के किरदार में लोग सुशांत सिंह के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते हैं, और इस कारण लोगों ने शहीर शेख को भी काफी बुरी तरह से ट्रोल किया। लोगों की भावनाओं का मान रखते हुए शहीर शेख ने भी एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मानव का यह किरदार करना क्यों स्वीकार किया। शहीर लिखते हैं कि जब मुझे पवित्र रिश्ता 2 के लिए अप्रोच किया गया था तो मुझे झटका लगा। भला कौन उस किरदार को निभाने की हिम्मत करेगा जिसे सुशांत सिंह राजपूत ने अमर कर दिया हो। मैं भी यह नहीं करना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि जितना मैं सुशांत को जानता हूं, अगर वो होते तो वो ये चैलेंज जरूर स्वीकार करते। इसलिए मैंने फैसला किया कि उनके केस रोल में फिट होना और दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना चैलेंजिंग तो है, लेकिन इसके लिए ट्राई नहीं करना उससे ज़्यादा बुरा है। जब टीम ने मुझसे कहा कि उन्हें इस किरदार के लिए एक ऐसा सिंसियर एक्टर चाहिए जो इस रोल में पूरी तरह फिट हो जाए, और यही सुशांत के इस उम्दा कैरेक्टर के प्रति उनकी श्रद्धांजलि होगी, तो मैंने यह तय किया कि मैं इस किरदार को अपना बेस्ट दूंगा और बाकी का निर्णय दर्शकों और ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। एक ऐसी टीम जिसने सुशांत को इतना प्यार और सम्मान दिया, उनके साथ काम करना आपको सही मायने में इंस्पायर करता है। वो आगे लिखते हैं कि सुशांत, हमारे मानव हमेशा तुम ही रहोगे, कुछ भी इसे बदल नहीं सकता और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। हो सकता है मैं तुम्हारे जितना अच्छा काम ना कर सकूं और तुम्हारी तरह इस किरदार के साथ जस्टिस ना कर सकूं, पर मैं वादा करता हूं कि मैं इस किरदार को अपना बेस्ट दूंगा। अब देखना यह है कि लोग शहीद शेख को मानव के किरदार में सुशांत जितना प्यार देते हैं या नहीं, और पवित्र रिश्ता 2 को उतना रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। चलिए आते हैं अब दूसरी खबर पर। करीना कपूर ने अभी हाल ही में अपनी बुक लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम उन्होंने करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल रखा है। इस बुक में उन्होंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी पीरियड्स के सारे एक्सपीरियंसेस बताए हैं। अब यह बुक अपने नाम की वजह से विवादों में आ गया है। दरअसल ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड ने इस बुक के नाम में बाइबल शब्द जोड़ने पर आपत्ति जताई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इस वजह से इस शब्द पर आपत्ति हुई है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड ने न केवल इस पर आपत्ति जताई है, बल्कि वे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी सोच रहे हैं। शायद अभी वे लोग इस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने केस किया तो करीना के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अभी तक करीना की तरफ से इसके रिस्पॉन्स में कोई भी जवाब नहीं आया है। अब देखना ये है कि करीना अपने बुक का नाम बदलती हैं या नहीं, और बोर्ड को संतुष्ट कर सकने वाला कोई जवाब देती हैं या नहीं। करीना ने हाल ही में अपने दूसरे बेटे का नाम जेह रखा है, जो तैमूर की तरफ विवादों में तो नहीं आया, लेकिन लोग इसे भी मुस्लिम शासक का शॉर्ट नेम मानकर चल रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरी और आखिरी खबर पर। दिया मिर्जा ने इसी साल 15 फरवरी को बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी करके अपने फैंस को एक बड़ा झटका दिया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करके लोगों को दूसरा बड़ा झटका दिया। बवाल मचने पर दिया मिर्जा ने यह साफ किया कि शादी के वक्त वो लगभग 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। अब दिया मिर्जा ने अपने फैंस को तीसरा बड़ा झटका दिया है, वो ये बताकर कि वो ऑलरेडी 2 महीने पहले माँ बन चुकी हैं, जिसका नाम दिया ने अव्यान आजाद रेखी रखा है। हालांकि दिया मिर्जा के 9 मंथ्स अभी पूरे नहीं हुए थे और यह एक प्री मैच्योर चाइल्ड है, जिसका जन्म 2 महीने पहले 14 मई को ही हो गया था, लेकिन प्री मैच्योर होने के कारण उसे ICU में रखा गया और शायद इसलिए उन्होंने 2 महीने तक इसका खुलासा नहीं किया। आज ठीक 2 महीने बाद 14 जुलाई को बच्चे की एक झलक के साथ अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। दिया बताती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था और इस कारण उनका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और उन्हें C-सेक्शन के जरिए इस बच्चे को जन्म देना पड़ा। दिया ये भी बताती हैं कि बेबी अभी सुरक्षित है, रिकवरी फेज में है और जल्द ही वो अपनी बहन समायरा और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ घर पर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।